हाय व्यूवर्स, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका पड़ोसी, आपका गुआंडी रावल। आज का टॉपिक बहुत जरूरी, बहुत अहम और बहुत ही दुनिया का सबसे अच्छा टॉपिक। जी, सबसे अच्छा टॉपिक दुनिया का ये कि माँ बाप, माँ बाप यानी वालदैन। वालदैन सर, आज का वो दौर आ गया जिस दौर में हम वालदैन अपने माँ बाप से डरते हैं। ओए हमें क्या हो गया, हम किस डगर पे जा रहे हैं भाई। हम वो इस बात से डरते हैं कि किसी महफिल में वो कुछ कह दें, आगे से उनके बच्चे उनसे बदतमीजी कर दें, उनकी इज्जत जो है ना पामाल कर दें। तो ये हमें क्या हो गया, ओ चले ओ पागलो, हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मैं फर्ज नमाज पे खड़ा हूँ, मैं फर्ज नमाज पे खड़ा हूँ, और मेरी माँ जान मुझे पीछे से अगर आवाज दें तो मैं वो नमाज तोड़ के अपनी माँ का जवाब दूं। और हमें कहा क्या हो गया यार, हमारा तो हजूर ही इतना सोना था, हमारा हजूर इतने सोने हैं, उन्होंने हमें ऐसी ऐसी तालीम दे दी है। और यार ये अल्लाह ताला का सबसे अच्छा और ब्यूटीफुल गिफ्ट इन योर लाइफ, इट्स योर पेरेंट्स। सिर्फ दुनिया में तुम्हें हर चीज मिलेगी, पैसा कमाओगे, गाड़ी लोगे, बंगला लोगे, दुनिया की हर चीज ले लोगे, माँ बाप नहीं ले सकते हो। एक बार माँ बाप चले गए ना तुमसे, बोझ कभी भी नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं मिलेंगे। इस बात को कान के साथ, जितने भी जिस्म के और अज़ा हैं उनके साथ सुनो यार। खुदा का वास्ता है तुम्हें, खुदा का वास्ता है, माँ बाप की इज्जत करना सीखो, ताकि जब तुम्हारा माँ बाप बनने का टाइम आए तो वही वही तुम्हारे साथ जो बोओगे वो काटोगे। आज अच्छा बोओगे कल को अच्छा काटोगे। इसलिए कभी भी अपने माँ बाप की इज्जत को पामाल मत करो, कभी भी उनको किसी के सामने झुकने मत दो। कभी अपनी कोशिश इतनी करो, अपने से इतनी कोशिश करो कि माँ बाप की इज्जत पे तुम्हारी वजह से कोई आर्फ ना आए। बाकी मैं कहता हूँ सब कुछ रब पे छोड़ो और रब सही करेगा, सिर्फ अपने माँ बाप की इज्जत करो। और पागल, जिसके पाँव के नीचे अल्लाह ताला ने जन्नत रख दी है, तो वो कैसी हस्ती होगी, वो सिर्फ माँ की हस्ती है। क्योंकि ये अल्लाह ताला का दिया हुआ हमें एक ऐसा गिफ्ट है जो हमें जिंदगी में दोबारा नहीं मिलना, दुनिया में हर चीज मिलनी। आजकल की जनरेशन की जिंदगी में एक लड़की आती है ना, तो वो अपने माँ बाप की बात सुनने से, मैं आपकी बात सुनता हूँ जरा, मैं ये बात कर रहा हूँ किसी से, ओ अल्लाह के बंदे, जो जब तू छोटा था, जब तू बिस्तरे पे पेशाब करता था, गीले पे वो खुद सोती थी, सूखे पे तुझे सुलाती थी, वो तू भूल गया है। 4 दिन का जो बंदा नया मेहमान आया तेरी जिंदगी में, उसके लिए तूने अपने माँ बाप को वो कर दिया है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं बोझ जी, जो हमारी जिंदगी में बहुत अहम और बहुत जरूरी जो है ना हिस्सा रखती हैं, जगह घेरती हैं। तो ये छोटी छोटी बातें, इनमें से जो एक सबसे बड़ी बात ये है कि वो माँ बाप की इज्जत है। माँ बाप की इज्जत करना सीखो, क्योंकि जो आज तुमने बोना है वो कल तुमने काटना है। इतना सा मैसेज था तुम्हारा, तुम्हारे लिए, सब भाइयों के लिए मेरा। बाकी आगे तुम्हारी मर्जी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाओ। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में हम आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, खाने का, खुजाने का, बत्ती बुझाने का और सो जाने का। अल्लाह हाफिज़।